Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो है समरकंद जाने पे ताशकंद से, और मैं ट्रेन से गया था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जब ताशकंद पहुंचा था, मैंने तभी जो है समरकंद वापस जाने की टिकट ले ली थी। ये जो बिल्डिंग थी, ये पीछे आपने देखी है, ये ताशकंद स्टेशन है, और ये मेट्रो भी यहाँ पर आती है। आप ताशकंद स्टेशन उतर के मेट्रो से भी अपने सिटी के अंदर कहीं जा सकते हैं, जहाँ भी आपने जाना है, और वापस आते हुए भी ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप आ सकते हैं। ये चेकिंग पॉइंट है स्टेशन का, यहाँ आपने टिकट दिखानी है, थोड़ी चेकिंग वो करते हैं और फिर आपको एंटर होने देते हैं ये स्टेशन की बिल्डिंग में। स्टेशन आप तकरीबन आधा घंटा पहले आ जाएं, जो भी आपकी टाइमिंग है ट्रेन की, और क्योंकि प्लेटफॉर्म में जाने में और वैसे भी ये सारे प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। ये वहाँ की बुलेट ट्रेन है जिस पे मैं सफ़र करना चाहता था, लेकिन दोनों साइड पे मुझे इसकी टिकट नहीं मिल सकी। ये फुली बुक्ड होती है, और अगर इस पे आपने सफ़र करना है तो कुछ दिन पहले आपको इसकी टिकट लेनी पड़ेगी। इवन जो दूसरी ट्रेन्स भी हैं वो भी बुक जाती हैं, क्योंकि उनका ये जो ट्रेन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी लोग इस पे ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। तो अगर आपने बाय ट्रेन सफ़र करना है तो आपने एक दो दिन पहले टिकट जो है बुक कर लेनी है, समरकंद से ताशकंद के लिए या ताशकंद से कहीं भी आपने जाना है, तो एक दो दिन पहले कोशिश करें टिकट कर लें, ताकि आपको मुश्किल नहीं हो। फिर ये प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है, इवन समरकंद में भी ऐसे ही था तकरीबन, अंडरग्राउंड उन्होंने बनाया हुआ है, और आप बाहर निकलते हैं तो आप ट्रेन के पास होते हैं। ट्रेन अपने टाइम पे चल पड़ती है, तो ये ना सोचिएगा कि आपने टिकट ली हुई है तो आपका वेट करेंगे, तो बेहतर है कि आप टाइम पे जो है ना वहाँ पहुँचे हों। ये वाली मेरी ट्रेन है, और उसके सामने बुलेट ट्रेन खड़ी है। डिफरेंस आपके सामने है, ये बुलेट ट्रेन है, और जो दूसरी साइड पे है वो मेरी ट्रेन है जिस पे मैंने समरकंद सफ़र किया था। समरकंद से जिस ट्रेन पे मैं आया था उसकी सीटिंग जो थी डिफरेंट थी, वहाँ चेयर्स लगी हुई थी, ओपन था, कोई कैबिन वगैरह नहीं बने हुए थे। लेकिन ताशकंद से जिस ट्रेन पे मैं गया, इस पे कैबिन वगैरह बने हुए थे और कैबिन के अंदर आप बैठे हुए हैं। और ये ट्रेन शायद समरकंद से आगे जो है एक सिटी है कोई, मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, वहाँ जानी थी और रास्ते में समरकंद रुकना था। तो आई थिंक ये लॉन्ग रूट के लिए ऐसी ट्रेन हैं कैबिन वाली। ये कैबिन आप देख रहे होंगे जिसकी मैं बात कर रहा था, इस तरह की भी ट्रेन है और ओपन भी होती हैं, लेकिन टिकट दोनों की सेम है। ये लॉन्ग रूट है थोड़ा सा, तो इसमें जो है ना वक्फे वक्फे में आपके पास खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, वो फ्री नहीं होती ऑब्वियसली बेचने के लिए, तो जिस जैसे पानी हो गया, जूस हो गया, चिप्स वगैरह, तो आप वो भी जो है बाय कर सकते हैं ट्रेन में। रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि आते हुए समरकंद से मैंने बनाई थी, वैसे भी ये रात का टाइम था तो स्टेशन पे लेट ही आती है ये जो ट्रेन है, तकरीबन 10-11 का टाइम हो गया था। तो उसके बाद वहाँ पे यंडेक्स यूज़ की मैंने अपने होटल की तरफ जाने के लिए। नाइट लाइफ की बात करें तो जैसे कि उज़्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो समरकंद में तो ख़ास तौर पे आपको कुछ नहीं दिखता, ना बार ना क्लब्स वगैरह, और ताशकंद में फिर आपको रेस्टोरेंट कम बार्स वगैरह मिल जाते हैं। ये रात को कुछ खाने के लिए मैं निकला था, तो सेफ़ है, आप रात को वॉक बाय वॉक जा सकते हैं। मेरे होटल से तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पर वो रेस्टोरेंट्स थे।
ये सबवे बनी हुई है रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास, तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं थी, यहाँ पे होनी चाहिए, एक तो अंधेरा काफ़ी था, लेकिन खैर फिर भी मैं क्रॉस कर गया। ये रेस्टोरेंट में मैं आया, कैफ़े था, तो यहाँ पे शवरमा वगैरह था और अच्छा लग रहा था, थोड़ा रश भी था, तो मैंने कहा यहाँ ट्राई करते हैं, मे भी अच्छा हो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ शवरमा, ब्रेड भी डिफरेंट है, तो प्राइसेस भी चिकन की, मीट की, विद चीज़ विदाउट चीज़, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। ये लास्ट नाइट थी मेरी उज़्बेकिस्तान में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको समरकंद एयरपोर्ट जाने और एयरपोर्ट की आपको वीडियो दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।